Secretary Education, Secretary Higher Education is Dr. Nasir Ali. Kabul-e-Ehtiram, Dr. Nasir Ali Sahib. Mere Pyare Bacho, Ilaqe Ke Mohtabareen, Asatza, Assalamu Alaikum. मैं रिक्वेस्ट फर्स्ट रो में करूंगा कि मेहरबानी करके आप ज़रा बहुत क्लोज हो गए, डिस्टेंस अपना मेंटेन करें प्लीज़, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा फासला अपना, 6 फुट का फासला उसको मेंटेन करें, और बाकी अगर कोई क्लोज एक दूसरे के बैठे हैं या खड़े हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फासला अपना मेंटेन करें। नसीर अली साहब, आपने बहुत सारे चीज़ें स्कूल के हवाले से बातें की, मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूँ और दिल की अंदर से ये मेरी आवाज़ आ रही है कि ये इदारा इतना पुराना होगा और उसमें आके आज जिस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं, मेरे लिए बायस फ़ख्र है, मेरे लिए ऑनर है कि इस किस्म का स्कूल हमारे बलूचिस्तान में है। जिन हालातों से हमारी हेल्थ, एजुकेशन और इदारे हम गुज़र रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए गनीमत है। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर रहते हुए इस किस्म के इदारों की नशोनुमाई की है, उनको बनाया है, उनको मेंटेन किया है। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो सियासी होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, हमें कोई पता नहीं होता है कि कब तक ये सिस्टम रहे, कब तक ये हुकूमत रहे और कब तक हम रहें। मगर जो इन इदारों के असातिज़ा हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और अभी एक डॉक्टर साहब जिन्होंने अभी तारुफ हुआ था, मैंने डॉक्टर हारून साहब उनके भाई हाजी उबैदुल्ला साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इस इदारे पे अल्लाह की राह में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, इन बच्चों की तालीम के लिए, अब मैं कुछ और नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे कुफर का दावा लगाने में भी देर आप लोग नहीं करते हैं, ख़ास तौर हमारे ऐसे कंजर्वेटिव एरियाज जैसे पेशावर है, जैसे कोयटा है, जैसे एक बात करो दूसरा वो खड़े हो जाते हैं ये काफर है। तो मैं आई एम रियली सॉरी कि जो मैं दिल से बात कहना चाहता था वो मैं कह नहीं पाऊँगा। शायद हमें चाहिए कि जो अल्लाह की राह में हम पैसा इस्तेमाल करते हैं उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। आपको सही सवाब उस वक्त पहुंचेगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं सही जगह पे होगी। अल्लाह के लिए मैं एक दफ़ा ये सिंध में दादू ज़िले में आज से कोई 200-300 साल पुराने रास्ते से गुजरा, जो सिंध का होता था रास्ता, जो सिंध से होके कराची जाता था पहाड़ों के अंदर, तो एक जगह हमें थोड़ा सा साया नज़र आया तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। रुक के जब मैंने देखा तो आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कैसे पहाड़ों के बीच में उस रास्ते पे उन्होंने दो इस किस्म के, कोई अब मैं उसको क्या लफ्ज़ कहूँ,
ऐसी जगहें बनाई थी जो सर्दी धूप गर्मी में यहाँ से जो काफ़िले गुज़रते थे, यहाँ से मुसाफिर गुज़रते थे, वहाँ से लोग गुज़रते थे, उनके लिए औरतों के लिए अलहदा बनाया हुआ था, मर्दों के लिए अलहदा बनाया हुआ था, और उन्होंने एक पक्का कुआं बनाया हुआ था ताकि यहाँ से जब मुसाफिर गुज़रें, काफ़िले गुज़रें, तो उनको वहाँ उन पहाड़ों में कहीं पानी नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट था लोगों को अल्लाह की राह में सहूलतें देने का, और उस वक्त ये चीज़ें बनी हुई थी जो तालपुर एरा था, मतलब मैं 200-250 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमें भी जो अल्लाह की राह में ज़कात, उशर, खैरात जो भी हम देना चाहें तो ऐसे इदारों में दें जहाँ आगे चल के अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। ये हमारे फूल हैं, ये हमारे मुस्तकबिल हैं, हम अपनी टाइम, हम अपना वक्त गुजार चुके हैं, आने वाले वक्त के मेमार ये हैं। इन्होंने हमारे मुस्तकबिल को संभालना है। इनमें इंशाल्लाह बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, बहुत सारे डॉक्टर होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को इनोवेशन करेंगे जिससे हमारे मुल्क, हमारी सरजमीन, हमारी धरती और हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। आज मैं ये कमिटमेंट करके आपसे जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि हम कोई मुस्तकिल, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी अगर करूंगा तो 100% उसको इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरे ने चाहा तो मैं पूरी करूंगा। बाकी रहा गवर्नमेंट साइड की तरफ से, अब यकीन करेंगे अभी तक मेरे जहन में नहीं था कि क्वेटा में इस किस्म का स्कूल होगा, और वो भी गवर्नमेंट का होगा, चैरिटी स्कूल होगा, खैराती इदारा होगा, और इतने बेहतरीन इंतज़ाम के साथ होगा। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं हमारे? अच्छा, आपका गुड नेम सर नसीर अली? नसीर अली शाह? अच्छा, तो आप तो फिर आले रसूल हैं, आपके तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। तो बच्चों इंशाल्लाह जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हम आपके स्कूल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे नहीं होती कि मैं आज ज़ाती तौर पे ऐलान करूँ और कल आपके पास पहुँच जाए। इंशाल्लाह मैं आपसे वायदा करता हूँ कि कमिंग जून के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट बनता है इस जून से लेके अगले जून तक, अभी कुछ चीज़ें हैं हमने अनाउंस की हुई हैं, मैं शायद बाकी चीज़ों को तो आगे पीछे ना कर सकूं क्योंकि मैं कमेंट कर चुका हूं, मगर मेरे अपने इलाके का जो फंड है इंशाल्लाह ताला यहाँ, अब इस तरह से हम नहीं बनाएंगे कि आपने ये बिल्डिंग बना दी है, इंशाल्लाह हम पूरी प्लानिंग करेंगे और ऐसे बनाएंगे कि 100 साल के बाद भी हमारे बच्चों को ये काम दें। मैं, क्योंकि मेरे जहन में कुछ नहीं था, इस तकरीब का इनेकाद होना था, कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, आप हमारे एम्बेसडर हैं, आपको क्योंकि ये मौका मिला है ऐसे स्कूल में पढ़ने का, और ये मौका हर बच्चे को नहीं मिला है, लाखों बच्चे हैं क्वेटा शहर में, ये सिर्फ 3,000 जो आपके स्टूडेंट्स हैं ये मौका आपको मिला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड-19 के हवाले से आप तालीम याफ्ता हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा है उसका आपने एहतियात करनी है, उनको समझाना है, जब आप अपने घरों में जाएंगे तो वहाँ अपने फैमिली के लोगों को बताना है जिनको इस चीज़ का इल्म ना हो, आपने अपने नेबर्स को बताना है, आपने अपने उस स्ट्रीट बॉयज़ जो आपके गलियों में दोस्त यार हैं आपने उनको बताना है, क्योंकि एक चीज़ हमने ये रिस्क तो लिया है, स्कूलों को हमने खोला है क्योंकि आप लोगों का बहुत कीमती टाइम ज़ाया हो रहा था, आपकी तालीम ज़ाया हो रही थी,
मगर क्योंकि हमने इसके ये नहीं करना है कि कोरोना को फेस नहीं करना, नहीं, हमने फेस भी करना है और अपने को बचाना भी है। और अल्लाह से ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह तू हमारी हिफाजत भी कर और हमारी दुआओं के को कबूल फरमा और लोगों को भी इस मुसीबत से बचा, इस परेशानी से बचाओ। क्योंकि मैं ख़ुद कोरोना से गुज़र के आया हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन कोरोना हुआ, सिर्फ 2 दिन, और उसको कम से कम 2-2.5 महीने हो गए। मैंने सिर्फ जो फीलिंग मुझे हुई वो सिर्फ 2 दिन हुई। बिलीव मी, आज मैं जब आपके पास आ रहा था तो उस वक्त भी मेरी फीलिंग ये थी कि मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। तो ये एक ऐसी वबा है, एक अल्लाह की आजमाइश है, और जो लोग इस आजमाइश से निकल के आते हैं, जो कौमें, जो फैमिलीज, जो ख़ानदान, जो लोग, वो अल्लाह की के पहुँचे हुए लोग होते हैं, अल्लाह की उन पर मेहरबानी होती है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं बलूचिस्तान में और ख़ासतौर कोयटा में, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमने इसका मुकाबला करना है, लड़ नहीं सकता इसे। हम ये दुआ रब अपने अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह तो हमें ये हिम्मत दे और हमें पे रहम कर कि इस मुसीबत को हम से दूर कर। तो आज मैं इतना बोल तो नहीं सकता हूँ, मगर आज पता नहीं आप लोगों को देख के मेरा हौसला बढ़ा है, करेज बढ़ा है मेरे अंदर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हम हर साल बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ आपको देंगे, ये मेरा वायदा है, ये मैं आपसे कमेंट कर दूँगा। मैं ऐसे अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि लोग अनाउंस करके चले जाते हैं। मैं आपसे ये वायदा कर रहा हूँ, जैसे हम थोड़े अरसा मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि नए अभी हम कॉलेजेस को खोल रहे हैं, फिर हाई स्कूल को, फिर प्राइमरी को खोलेंगे। इस मरहले से जैसे मैं गुजरूंगा इंशाल्लाह मैं आपके दोबारा इस स्कूल में आऊँगा, और ये मेरे लिए आइडियल है कि 1881 में मेरे ख़्याल में जो कोयटा के शायद कोई 1-2 स्कूल होंगे उनमें सबसे पुराना स्कूल ये होगा। इसको एक हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, ये आपसे मेरा वायदा है, ताकि आपको हम मौका दें, मगर ये वायदे के साथ, कमिटमेंट के साथ, कि आपने तालीम को भी टाइम देना है और इस लड़ाई के जो हम लड़ रहे हैं उसमें आपने हमारा साथी बनना है। हाथ ऊपर करके वायदा करें मगर दिल के साथ कि आपने इस लड़ाई में और इस तालीम में आप हमारे साथ होंगे। प्रॉमिस, जो नहीं करना चाहे ना करें, मगर वायदा करें, जो वायदा करता है वो पूरा करता है, और इस धरती की एक रवायत है कि लोग जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी, मगर इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ ले कर आऊँगा, आपके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट हम बना के लाएंगे कि इस स्कूल को हम किस तरह बेहतर एक मॉडल स्कूल बनाएं। तो मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और इस्पेशली शाह साहब मैं आपका, आपके प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ, और मुझे खुशी भी हुई है। 2 चीज़ें जिसका मुझे बहुत शौक है, मैंने एक स्कूल बनाया अपने गांव में, यहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर है, इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई हम आपका एक ट्रिप अरेंज करेंगे। ये तो बहुत अच्छा स्कूल है, मगर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चे जिनके वालदेन उनको नहीं पढ़ा सकते, 100% हम उनको मुफ्त में यहाँ कोयटा से, आज इंशाल्लाह ताला उनका खैर का सफ़र शुरू होगा, हम उनको यहाँ कलेक्ट करते हैं, यहाँ से उनको उठाते हैं, उनको शोरान ले जाते हैं, उनके स्कूल में ले जाते हैं, और फिर जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं तो हम उठा के उनको यहाँ कोयटा तक भी लाते हैं, डेरा मुराद तक ले जाते हैं उनको। तो हम इंशाल्लाह, आप हमारे गेस्ट होंगे वहाँ पर, हम आपको दिखाएँगे भी सही, मगर यहाँ जितने 2 चीज़ों का मैंने आपको कहा,
ये मेरी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता हो। और दूसरा, आप वहाँ जब तशरीफ़ लाएंगे, आप मेरे मेहमान होंगे, आप MCR के मेहमान होंगे, उन बच्चों के मेहमान होंगे, तो सबसे ज़्यादा उधर आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में हमने दरख्त लगाए हुए हैं जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। शाह साहब, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि दरख्त ज़िंदगी की, एक लोगों की लाइफ की निशानदेही करते हैं। तो मैं सब आप रुफका का, असाज़ा का, स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं कुछ ज़्यादा ही आपका टाइम लिया है, मगर मुझे आप लोगों को देख के खुशी हो रही है। मेरी फीलिंग मैं अपने दिल की आपको नहीं बता सकता। आप हमारे मुस्तकबिल हैं। जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, हो सकता है कल आप में से कोई खड़ा हो। अल्लाह आपको शायद इतना मौका दे, ऐसी ज़िंदगी दे कि आप अपने सूबे को, अपने लोगों को, अपने शहर को, अपनी फैमिली को लीड कर सकें। सियासत, हुकूमत, ये किसी की मीरास नहीं है। जिसमें अल्लाह ने अहलियत दी वो बहुत आगे जा सकता है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो मुस्तकबिल को इंशाल्लाह ताला लीड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।